हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश, जय महादेव। आज मैं एक ज्योतिष शास्त्र से जुड़े गंभीर विषय में आप सबसे बात करना चाहता हूँ, और वो विषय है स्पेशली तीन नक्षत्रों के ऊपर आधारित। जैसे अधिकतर सबको पता ही है कि ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र में जिन जिन बच्चों का जन्म होता है या जिनका जन्म हुआ है, मतलब उन्हें बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इसमें संदेह रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये भी प्रैक्टिकल प्रामाणिक अप्रूव हो चुका है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं आज आपको सप्रमाण बताऊंगा कि ऐसे नक्षत्रों में या इसका जो गंडात होता है, यहाँ मघा नक्षत्र आदि का जो गंडात होता है उसका तो विषय मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, लेकिन मूल रूप से यहाँ तीन नक्षत्रों का शास्त्रों में प्रमाण दिया हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से, सरलता से, सहजता से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आपके बच्चे का जन्म इसमें से कोई नक्षत्र में इसी प्रकार से अगर हुआ है तो अवश्य इसका निराकरण करवाने का प्रयत्न कीजिएगा, और जहां तक हो सके बचपन में ही, छोटी आयु में ही इसका निवारण करवाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो नहीं। तो अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना बोले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस विषय में जो प्रमाण है वो लिखा है कि तिथि गंडे बगंडे च लग्न गंडे च जातक न जीवति यदा चातो जीविते च धनी भवेत। कितना सुंदर लिखा है कि इस प्रकार की तिथि, मतलब ये जो तिथि नक्षत्र और जन्म लग्न का जो गंडात होता है, अगर उसमें बालक का जन्म होता है ना, तो या तो वो बालक जन्म के बाद तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, और अगर संयोगवश अगर वह जी गया तो वो बहुत धनी बनेगा, या तो वो मर ही जाएगा या तो जी गया तो वो बहुत धनवान बनेगा, और ऐसा इसमें लिखा है। और इसमें लिखा है कि छह जो नक्षत्र है, मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा, अश्विनी, रेवती और मघा नक्षत्र, ये छह नक्षत्र की यहाँ बात है, लेकिन इसमें भी बोला है कि प्रधान नक्षत्रों को आप इसमें ज्ञात कीजिए, एक ज्येष्ठा, दूसरा मूल, तीसरा आश्लेषा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इन तीन नक्षत्रों में अगर किसी का जन्म होता है तो वो अशुभ माना गया है। अब इसमें आगे बात करूं तो ज्येष्ठा नक्षत्र फलम, इसमें है ज्येष्ठा दो मातर महंती द्वितीय पितरम तथा तृतीय भ्रातरम च एव मातरम च चतुर्थके आत्मानम पंचमे हंते षष्ठे गोत्र क्षयो भवेत सप्तमे चोबयकुलम ज्येष्ठम भ्रातरम अष्टमे नवमे श्वसुरम हंति सर्वहंति दशांशके। और ये बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए किसी भी लड़का हो तो उस तरह से समझिएगा, लड़की का जन्म हुआ है तो उस तरह से जन्मने का समझिएगा, अर्थात अगर इस ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो उसका फल जो क्या है, वो संस्कृत में लिखा है कि ज्येष्ठादौ मातरम हंति। ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर लड़का या लड़की का जन्म हुआ है तो मातरम हंति अर्थात माता को, नानी को, दादी को वह दुख देता है। द्वितीय पितरम तथा पिता, नाना या दादा को कष्ट पहुंचता है। तृतीय भ्रातरम चैव भाई या बहन को कष्ट पहुंचता है। फिर से कहा है कि मातरम च चतुर्थके, यहां पर दो चीज है, यहां पर भी माता को भी समझना चाहिए, दादी को भी समझना चाहिए, नानी को भी समझना चाहिए। आत्मानम पंचमे हंति, स्वयं को दुख पहुंचाने वाला। षष्ठे गोत्र क्षय भवेत, गोत्र का क्षय ही कर देगा। सप्तमे चो भयकुल ज्येष्ठम भ्रातरम अष्टमे, सप्तमे चोभयकुल अर्थात जो कुल है उसका भी नष्ट कर देंगे। ज्येष्ठम भ्रातरम अष्टम, यहाँ ज्येष्ठम का दो, एक बड़ा भाई होता है, दूसरा अगर शादी के बाद लड़की है तो जेठानी या जेठ। नवमे श्वसुर महंती, शादी के बाद ससुर, लड़का है तो उसका, लड़की है तो उसके ससुर। हंती सर्वहंती दशांशके अर्थात वो सर्व कुछ विनाश हो जाता है अगर किसी का जन्म इस प्रकार के तिथि नक्षत्र लग्न के गंडात में बालक का जन्म होता है तो। और जैसे मैंने कहा कि उन तिथि नक्षत्र लग्न के गंडात में सबसे ज्यादा जो है देखना है
वो छह नक्षत्र है, मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और मघा नक्षत्र। उसमें भी मूल जो तीन नक्षत्र है अशुभ, वो है आश्लेषा, ज्येष्ठा मूल और आश्लेषा नक्षत्र। तो यहाँ पर सिर्फ लिखा है ज्येष्ठा नक्षत्र गंडात का फलम, जो मैंने आपको संस्कृत में सुना है, अब उसको हिंदी में सुनिए। यहाँ पर इसका विश्लेषण ऐसा किया है हमारे ज्योतिषाचार्य अर्थात हमारे ऋषि मुनियों ने कि 60 घड़ी को पूरे दिन जो है, पूरा दिन जो है 60 घड़ी है, 60 घड़ी का 24 घंटे में निरूपण किया है, अर्थात 23 घंटों के ऊपर कुछ होता है लेकिन उसको 24 घंटे ही समझ के चलिए। अब इसके 6-6 घड़ी के एक एक भाग कीजिए, तो यहाँ क्या लिखा है कि जिसका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र की पहली 6 घड़ी में हुआ है तो नानी को, दादी को अशुभ है, दूसरी 6 घड़ी में जन्मा हो तो नाना को, दादा को कष्ट है, तीसरी 6 घड़ी में जन्मा हो तो मामा को कष्ट है, चौथी 6 घड़ी में जन्मा हो तो माता को कष्ट है, पांचवी 6 घड़ी में जन्मा हो तो बालक को, स्वयं को, आत्मानम कष्ट है, छठी घड़ी में जन्मा हो तो गोत्र वालों को कष्ट है, सातवीं 6 घड़ी में जन्मा हो तो परिवार और अपने कुटुंबीजनों को कष्ट है, आठवीं घड़ी में जन्मा हो तो भाई बहन को कष्ट है, नवीं घड़ी में जन्मा हो तो ससुर को कष्ट है, और दसवीं है तो पूरे कुटुंब को अर्थात गोत्र। यहाँ पर उस भाषा को संदर्भित करके समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपको ये आपको ये भी क्वेश्चन होगा कि ये पहली घड़ी, दूसरी घड़ी, तीसरी घड़ी क्या है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर जो घड़ी की बात करी है, अब उसको 24 घंटे मैंने आपको जैसे कहा, घड़ी को ही पकड़ के चलिए, 24 घंटे के या तो आप 10 भाग कर लीजिए या जो 60 घड़ी है उसके ही 10 भाग को आप पकड़ के चलिए, ठीक है। जैसे मानिए कि सुबह 7 बजे का सूर्य उदय का समय है, उसी प्रकार से दूसरे दिन 7 बजे का सूर्य उदय का जब तक समय होता है तो वो 24 घंटे हो गए, उस 24 घंटे में 60 घड़ी है, 60 घड़ी के आप 10 भाग कीजिए। जैसे मान लीजिए 24 घंटे है, 60 घड़ी है, तो पहली 6 घड़ी काउंट कीजिए, फिर दूसरी 6 घड़ी, अर्थात मैं अगर एक उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, उदाहरण के तौर पर, ये सारा कन्वर्सेशन या कन्वर्टेशन जो है उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, घटी क्या होता है, पल क्या होता है, विपल क्या होता है, ये सारी चीजें हमारी चैनल में, उसको अगेन रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन जो 60 घड़ी है उसके 10 भाग करोगे तो एक भाग 6 घड़ी का हो जाएगा, दूसरा भाग 6 घड़ी का हो जाएगा, तीसरा भाग 6 घड़ी का हो जाएगा, चौथा भाग 6 घड़ी का हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो 24 घंटे है तो उसको आपको कन्वर्ट करना है घटी में। तो अगर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि पहले, सबसे पहले ये समझिए 60 घड़ी बराबर 24 घंटे है, उस 60 घड़ी के आपको 10 भाग करने हैं, उस 10 भाग को जब आप करोगे तो एक भाग होगा 6 घड़ी का, अर्थात 6 घड़ी का। तो अब उसको मिनट में आप कैसे समझोगे, तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा कन्वर्टर उसका है कि एक घड़ी बराबर 24 मिनट, ध्यान से सुनिएगा, एक घड़ी बराबर 24 मिनट। हाँ, उसमें बहुत लोगों के थोड़े मत मतांतर है, लेकिन जहां तक ज्योतिष शास्त्र में प्रमाण मिलता है वो है एक घड़ी बराबर 24 मिनट। तो 6 घड़ी आप अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलिए, उसको कन्वर्ट कीजिए, अगर 6 घड़ी में आप 24 मिनट को लेकर चलोगे तो कितने घंटे होते हैं, तो मान लीजिए सुबह 7 बजकर किसी का जन्म होता है, या ये मानिए कि सूर्य उदय सुबह 7 बजे है, दूसरे दिन भी सुबह 7 बजे तक होगा, तो 24 घंटे हो गए। तो ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7 बजे से आरंभ हो रहा है, किसी का जन्म हो रहा है मान लीजिए 7:20 को, तो क्या कहलाएगा कि उसका जो जन्म है वो ज्येष्ठा नक्षत्र की जो 6 घड़ी है, 6 घड़िया है उसमें ही हुआ है। तो पहली घड़ी कहाँ तक चलेगी, 7 बजे से अगर हम गिने तो पहली घड़ी कितने बजे तक होती है, 6 घड़ी बराबर, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो 24 को गुण के 6 गुना आप कर दीजिए तो आपको एग्जैक्ट मिनट मिल जाएगी। जैसे अगर अप्रोक्सीमेटली हम गिनते हैं तो 24 को अगर 6 से हम गुनते हैं तो 144 मिनट हो गई। अब 144 मिनट अगर आप देखिए तो करीब करीब 2.25 घंटे होते हैं, करीब करीब मैं कहता हूँ, एग्जैक्ट अगर हम गिने तो 2 घंटे और 24 मिनट होती है, मतलब 6 घड़ी। तो कहने का तात्पर्य है सुबह 7 बजे से अगर देखो आप तो 9:24 तक पहली 6 घड़ी रहती है,
ध्यान से सुनिए, अगर 7 बजे से 9:24 के बीच किसी का जन्म होता है तो वो जो 6 घड़ी है ज्येष्ठा नक्षत्र की, सबसे पहली 6 घड़ी या पहला बार, तो उसके अनुसार जो फल मैंने बोला, जो प्रमाण दिया है, वो समझिए। अब दूसरा फिर भाग होगा, दूसरी भी कन्वर्टेशन होगी, और ये सरलता से आप समझ पाओ इसके लिए मैं यहाँ पर एक कोष्टक भी आपको दे रहा हूँ, पूरा टेबल बना के, कि कैसे पूरे दिन की जो घटी है वो घंटों के अनुसार आप उसे कैसे कन्वर्ट करके उसके 10 भाग घटी के अनुसार और घंटों के अनुसार जो भाग होते हैं वो कैसे समझ सकते हो, तो उसका पूरा मैं एक कोष्टक बना के स्क्रीन पर रखूंगा, तो आपको अधिक समझ में आएगा। तो कहने का तात्पर्य है 6 घड़ी का 1 भाग, 6 घड़ी का 2 भाग, 6 घड़ी का 3 भाग, ऐसे 6 घड़ी के 10 भाग है, उसको जब कन्वर्ट करते हैं तो वो आपने ऑलरेडी देख लिया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र में पहले 6 घड़ी में अगर किसी का जन्म हुआ है, दूसरी 6 घड़ी में किसी का जन्म हुआ है, तो उसका फल आपने सुन लिया। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि अगर किसी का जन्म ऐसे होता भी है तो एक तो उसका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि निवारण भी शास्त्रों में बताए हुए हैं, और ये बात 100% सत्य है कि ऐसे नक्षत्रों में जब जन्म होता है तब अशुभ तो होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसका निवारण भी है, हमें उसको अशुभ नहीं मानना चाहिए, उसका जन्म समय अशुभ है, जिसका जन्म हुआ है वो अशुभ नहीं है, तो ये भी एक सामाजिक मतलब दूषण है, इस वजह से मैं ये चीज बोल रहा हूँ। लेकिन ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, एक बार समझ में ना आए तो फिर से देखिएगा, और अगर ऐसी कोई चीज या आपके बच्चे का जन्म अगर ऐसे ज्येष्ठा आदि नक्षत्र में हुआ है, खास करके मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मूल नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और गंडात में अगर जन्म हुआ है, अवश्य निवारण करवाने के विषय में सोचिएगा। ये था एक महत्वपूर्ण विषय, आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है, बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, जय श्री कृष्णा।